राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाय माता के दर्शन कर लीजिए, और गाय माता बैठी हैं धूप के अंदर, और अभी कराती हूँ चारों बच्चों के दर्शन। और ये बैठी हमारी केशवी, तो आप देख सकते हैं उनके फेस पे धूप आपको दिखाई दे रही होगी, और आज इनको लग रही है ज़्यादा ठंड। तो सारे के सारे बैठे हैं धूप के अंदर, और इन्होंने पहनी है हैट वाली ड्रेस, मतलब हैट वाली कैप पहनी है, और ये दोनों एक साथ बैठे हैं। और केशवी को देखो कितना आनंद आ रहा है धूप में, इन्हें कितनी ठंड लग रही थी, इन्हें धूप में आना था, तो चारों के चारों ये धूप में आए हैं। और इधर बैठी हैं ये केशवी, तो चारों ने हैट वाली ड्रेस पहनी है, और ये इनका छोटा सा गार्डन है। और ये बैठे हमारे कृष्णा, बांसुरी लेके बैठे हैं अपना, और ये नाश्ता वगैरह करके आ चुके हैं, मतलब पूजा वगैरह हो चुकी है, नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। धूप निकल गई थी बालकनी में, तो मैंने बिठा दिया चारों को बालकनी में, और ये नहीं है कि मैं इनको बालकनी में छोड़ के चली जाऊँ, तो मैं इनको देखती रहती हूँ। सामने ही मेरा रूम है बालकनी के, वहीं से देखती रहती हूँ, थोड़ी देर इनके पास आगे बैठ जाती हूँ, फिर बातें वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं इनको कभी कभी ऐसे ही धूप में बिठा देती हूँ सर्दी में, क्योंकि बच्चों को लगती है ठंड, तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को या फिर बाल राधा रानी हमारे घर में, तो इनको हमें अपने रूम में ही बिठा के नहीं रखना चाहिए, जैसे मंदिर में बिठा के रख देते हैं बहुत से, जैसे लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं तो मंदिर से बाहर ही नहीं निकालते, मतलब किसी रूम में भी नहीं ले जाते, नहीं ना कहीं पे लेके जाते हैं। तो भक्तों मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को घुमाने भी ले जाती हूँ, और वैसे बालकनी वगैरह में तो मैं इनको ले ही आती हूँ, मतलब दूसरे तीसरे दिन डेली आ ही जाते हैं बच्चे धूप में, जब इनका मन होता है तो धूप में आ ही जाते हैं, मतलब सर्दियों में। गर्मियों में तो गर्मी लगेगी, सर्दियों में ये चारों के चारों एक साथ बैठ जाते हैं, और दोपहर का खाना ये यहीं पे खाएंगे, मगर मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को बालकनी वगैरह में ला सकते हैं, इनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को लगती है ठंड ज़्यादा, तो आप इनको सर्दियों में धूप में ज़रूर बिठाएं। और आज के दर्शन कर लीजिए, श्रृंगार दर्शन, और आरुष भी बाहर आ चुका है, और आरुष भी इनके साथ खेलता रहता बैठ के। तो बच्चे आज धूप में बैठे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दर्शन करा दूं, क्योंकि चारों के चारों बैठे हैं तैयार होके धूप में, तो मैंने सोचा अपने सभी भक्तों को लड्डू गोपाल जी के दर्शन करा दिए जाएं, और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को धूप में ठंड में ज़रूर बिठाएं। तो आपको कैसे लगे आज के श्रृंगार दर्शन आप बताना कमेंट में। और अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, राधा रानी अपना वॉकर लेके बैठी हैं, ये थोड़ी देर वॉकर में घूमेंगी, क्योंकि इस पे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी तो घूम नहीं सकते, ये है केशव और केशवी का ही है, तो थोड़ी देर ये इसमें घूमेंगी, आपको मैं दिखाती हूँ, इसके अंदर बैठेंगी और घूमेंगी, फिर इस वीडियो का फिर एंड कर देंगे हम। तो केशवी बैठ गई है वॉकर में, अब ये घूमेंगी इसके अंदर, उसके बाद घूमेंगे केशव बाबू, तो ये दोनों आपस में नंबर वाइज, पहले केशवी फिर केशव ऐसे घूमेंगे, और ये गाड़ी लेके बैठे हुए अपना, तो ये अपनी गाड़ी से खेलेंगे, और लड्डू गोपाल जी इनके साथ ऐसे ही खेलेंगे, ऐसी बातें वगैरह करेंगे। वैसे इनके पास भी बड़ी गाड़ी है, अगर इनको निकलवानी होगी तो उससे खेल ही लेंगे ये। तो आज के आपको श्रृंगार दर्शन कैसे लगे आप बताना। अब वीडियो का करते हैं एंड यहीं पे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Thank you.